الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام اس پر کہ جس کے دم سے دنیا میں بہار آئی سلام اس پر کہ جس کے دم سے دنیا میں بہار آئی سلام اس پر کہ معطر کر رہی ہے جس کی دانائی سلام اس پر اور اس کے آل و اصحاب مطہر پر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پر سلام اس پر کہ جس کے شیر دل قدسی سفیروں نے جہاں کی وسعتوں میں پرچم اسلام لہرایا سلام اس اسوہ حسنہ پہ جس کا خلق قرآن تھا سلام اس پر جو خود گنجینہ اسرار یزدہ تھا سلام اس ناخدا پر آخری انسان کامل پر سلام اس ناخدا پر آخری انسان کامل پر سفینہ ڈوبتے انسان کا لایا جو کے ساحل پر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کو عافیت بخشی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کو عافیت بخشی ضعیفوں اور مظلوموں پر لطف و رحم فرمایا محترم حضرات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے اسی ذیل میں چند باتیں زبان جاہلیت کے متعلق آپ سے ہو رہی ہے کہ اس زمانے کے بے قصوں مظلوموں ضعیفوں یتیموں کے ساتھ عورتوں اور بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور سب کا سہارا بن گئے میرے عزیز دوستو اس زمانے کے اندر اتنی تاریکیاں تھیں اتنے ظلمات تھے کہ اندھیرے در اندھیرے تھے دور دور تک روشنی کی کرنیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی
इंसानियत सिसक रही थी, यतीमों और बेवाओं, बेकसों, ज़रीफों, मजदूरों और गुलामों का कोई पुरसान हाल नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलाम ने सिसकती हुई इंसान के सर पर हाथ रखा और उनको ऐसी इज्जत दी कि फख्र से सीने चौड़े हो गए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अजीब हालत थी जमाने की। करोड़ों बुत उनके पास थे, करोड़ों बुतों के पूजने वाले थे। अखलाक उनके ये थे कि जीना आम थी, शराब नोशी आम थी, जुए खेलने को, सट्टा खेलने को इज्जत और फख्र समझा करते थे। शराब पीना और शराब का रखना उनके लिए एक इज्जत की चीज थी। जिसके पास ज्यादा शराब होती वो मुअज्जज समझा जाता था। और जाहिलियत इतनी छा चुकी थी कि इंसान इंसानियत से गिरकर हैवानियत से भी नीचे जुड़ गया था। नंगे हो जाया करते थे, नंगे होकर अल्लाह के घर का तवाफ करते थे, अल्लाह के घर में इबादत करते थे, मेलों के अंदर तशरीफ लाते और तो औरतें उनके इर्द गिर्द होती और उनकी यह हालत थी कि उनके सारे कपड़े उनके जिस्म से जुड़ा हुआ। बड़े बड़े सरदार जो अपने आप को मुआज़्ज़ज़ कहा करते थे, उनकी यह हालत थी कि औकास मेले के अंदर जाते और नंगे होकर वहां तफरी करते, मजाक करते, इंजॉय करते। यह हालत उन लोगों की थी। चुनांचे औरतों के या औरतों के लिए तो उनके दिल में कोई भी इज्जत नहीं थी। औरत को वो एक मनहूस सी चीज समझा करते थे। बेटे की पैदाइश को वो ये समझा करते थे कि ये मनहूस चीज हमारे घर के अंदर आ गई, इसको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। चुनांचे मासूम सा गुलाब, मासूम सा फूल जो अपने अपने बाप से, अपने वालिदैन से प्यार का इजहार करती, वो उस प्यार सी प्यारी सी और मासूम सी बच्ची को जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। ऐसे संगदिल वो इंसान थे। चुनांचे एक सहाबी अपने जमाने जाहिलियत का वाक्य बतलाते हैं कि दो बातें मेरे साथ ऐसी पेश आई कि एक बात को मैं सुनता हूँ, उसको याद करता हूँ तो मेरी हंसी बंद नहीं होती, और एक बात ऐसी है कि मेरी सिसकियाँ लग जाती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंसू बंद नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी किराम से बतलाया करता था कि उनमें से एक वाकया तो ये था कि एक मरतबा मुझे किसी सफर पर जाने का मौका मिला। चुनांचे मैंने सफर की सारी तैयारियां कर ली, जो सामान मैंने पैक किया था तो चूंकि सफर का उनके लिए अलग बुत हुआ करता था, तो पत्थर का बुत अगर उसके अंदर मैं रखता तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता और उसके अंदर वो आ भी नहीं सकता था। मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो एक काम कर लेते हैं कि पत्थर के बजाय दूसरी चीज का बुत बना लेते हैं। मैंने अपनी बीवी को हुक्म काम किया कि जाकर आटा गूंथो और खजूर को कूट लो और इन दोनों को मिलाकर, इनको कूट कर, इनको भिगो कर इसका एक बुत बनाओ। चुनांचे वो बुत बनाया गया, उसके अंदर वजन भी कम था और वो जो मूर्ति थी और बुत था उसका साइज भी हमने अपने हिसाब से छोटा बना दिया था। चुनांचे वो बनाया गया, सुखाया गया और फिर उसके बाद उसको पैक कर दिया गया।
अल्लाह की शान कि तोशा इतना दिया था कि वो जितने दिन के लिए हमारा सफ़र था, लेकिन किसी वजह से हमारा सफ़र लंबा हो गया। तो अब हमारे लिए खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था, अब भूख और प्यास ने हमको तड़पा दिया। करें तो क्या करें, मेरी नज़र उस बुत के ऊपर पड़ गई तो देखा कि ये तो भुने हुए आटे का और खजूर का बना बनाया है, क्यों ना हम इसको दोबारा इसको भिगो दें और फिर इसको भिगो कर तोड़ कर इसी को खा लें, ताकि भूख तो खत्म हो जाए और हमारा बुत अगर अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। वो साहब फरमाते हैं कि मैंने उसको तोड़ा, उसको भिगोया और फिर उसको खा लिया। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझको ईमान की तौफीक अता फरमाई, जब मैं उसकी बेबसी को याद करता हूँ तो मेरी हंसी बंद नहीं होती कि वो बुत कैसे थे, वो खुदा कैसे थे कि जो अपनी भी जान ना बचा सके। और दूसरा वाक्या ऐसा है कि जब मैं उसको याद करता हूँ तो मेरे आंसू बंद नहीं होते, सिसकियाँ बंद नहीं होती। वो ये कि एक मरतबा मैंने सफ़र का इरादा किया और सफ़र लंबा था, सालों का वो सफ़र था। अल्लाह की शान के मेरी बीवी हामिला थी, हमल से थी, तो मैं अपनी बीवी को हमल की हालत में छोड़कर चला गया। सफ़र के लंबा होने की वजह से काफ़ी दिन गुजर गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी बीवी को बेटी अता फरमाई। मेरी बीवी ने उसकी अच्छी तरबियत की, अच्छी परवरिश की और मेरी उस बीवी ने अपने वालिद के लिए मेरे लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर फरमा दी कि वो बगैर देखे मुझसे हद से तक ज़्यादा मोहब्बत करने लगी। ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बोलियाँ उसने मुझको सिखा दी कि अगर एक शरीफ आदमी उन प्यारी प्यारी बोलियों को सुनता तो उसका दिल पसीज जाता। तो मैं एक दो साल गुजरने के बाद सफ़र से वापस आया तो देखा कि मेरे घर में फूल सी मासूम सी बेटी खेल रही है, लेकिन मैंने उसकी मासूमियत पर नज़र नहीं की, बल्कि मेरा तो चेहरा बिल्कुल सियाह हो गया, मेरा तो पारा चढ़ गया कि मेरा घर और मेरे घर में बेटी का जन्म हो, मेरे घर में बेटी जिंदा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। थका हुआ था उस वक्त, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस बेटी को मैं गाड़ कर दफना कर आ जाऊँ। मैंने एक दो दिन गुजारा, वो बेटी मेरी इतनी प्यारी प्यारी बात करती कि एक तरफ तो मैं उसकी मासूम और मीठी मोटी बातों को देखता, उससे प्यार आ जाता, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी ज़ाहिरी इज्जत को देखता, फिर मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाती। नाचे दो तीन दिन गुजरे, मैंने उस बेटी को कहा कि बेटी मैं तुझको बाजार घुमाने के लिए ले जाऊंगा और तुझको वहाँ से अच्छे अच्छे खिलौने खरीद कर ले जाऊंगा। चुनाचे वो बेटी बहकावे में आ गई। रास्ते में जा रहा था, अगर मेरे पेशानी पर पसीना आ जाता तो वो बेटी मेरे पसीने को साफ करती, अगर मेरे कपड़ों पर गर्म गुबार लग जाता तो मेरी बेटी उसको साफ करती। सारे रास्ते उसने मुझको इतना प्यार दिया कि मैं उसको प्यार को देखकर आज उसको याद करता हूँ तो मेरे आंखें नहीं उठते। मैं उसको बयाबान जंगल में ले गया, मैं उसको दफन करने के लिए ज़मीन के अंदर गाड़ने के लिए कुदाल और फावड़े के ज़रिए गड़ा खोद रहा था और मेरी बेटी मुझे ये कह रही थी, ऐ मेरे अब्बू बड़ी सख्त धूप हो रही है और आपको पसीना भी आ रहा है, अब्बू आप आराम कर ले। वो इतनी प्यारी बातें करती और मेरे दिल में उसकी नफरत होती और मुझको गुस्सा आता। हत्ता कि जब मैंने वो गड़ा खोद लिया और मैं गड़ा खोद कर उस बच्ची के पास आया तो उस बच्ची ने देखा कि मेरे हाथों में गट्टे पड़ गए हैं, मेरे हाथ फावड़े के चलाने की वजह से निशान ज़्यादा से हो गए हैं।
मेरी बेटी ने उसको देखा तो उनको चुमकारा, उसका बोसा लिया, मेरी पेशानी से पसीनों को साफ किया, मेरे कपड़ों के ऊपर जो गर्द गुबार लगा हुआ था उसको दूर किया और मेरे लिए ठंडा पानी पेश किया। लेकिन इन तमाम बातों को देखकर भी मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं आई। मैंने उसको उठाया, गढ़े के अंदर रखा, मैं फावड़े के जरिए जमीन के उस गढ़े के अंदर मिट्टी डाल रहा था और बेटी कह रही थी कि अब्बू आप क्या कर रहे हो, आप क्यों परेशान हो। वो बेटी अपने मासूम हाथों से खुद अपने लिए मिट्टी को गड्ढे के अंदर डालती और वो मुझको दूर करती कि अब्बू मैं खुद इस काम को कर लूंगी। हद्दा के वो इस काम करती चली गई और जब उसकी गर्दन तक मिट्टी आ गई तो मैंने उसके ऊपर जबरदस्ती उसको नीचे किया और उसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ेल दी और वहीं पर दफन होकर रह गई। आज जब मैं उस वाकई को याद करता हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते और मेरी दाढ़ी तर हो जाती है। ऐसा जुल्म उस जमाने में औरतों के साथ हुआ करता था। ये तो अरब का माहौल था कि बेटी की पैदाइश उनके लिए एक जिल्लत का सबब थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल्उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा वहुवा कज़ीम, कि जब उनमें से किसी को बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाती है तो उनके चेहरे जिल्लत की वजह से सियाह हो जाते हैं और उनकी भवे चढ़ जाती है। ये अरब का माहौल था। दूसरी तरफ दुनिया के अंदर दो बड़ी ताकतें थी। एक ताकत थी इसका नाम था ईरान और दूसरी बड़ी ताकत थी जिसका नाम था रूम। रूम उसकी मातृभूमि के अंदर पूरी दुनिया के ईसाई और यहूदी और अहले किताब आते थे और ईरान की हुकूमत के मातहत जितने भी काफिर मुशरिक बुतपरस्त और सूरज की पूजा करने वाले वो थे वो सब उस हुकूमत के मातहत आते थे। रूम की हुकूमत के अंदर औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता, औरतों को बना सवार कर और उनका मेकअप करके उनको बाजारों के अंदर लाया जाता और वहाँ उनकी बोलियाँ लगती, खरीदने वाले खरीदते और उसको अपने घर ले जाते, औरत की कोई हैसियत नहीं थी। आज की औरतें मजहब इस्लाम को मानने वाली औरतें कहती हैं कि मजहब इस्लाम ने हमको बाजार जाने से रोका। मेरी बहनों, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको बाजार जाने से रोका, जो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, वरना तुम तो इस लायक थी। दुनिया ने ऐसा कानून तुम्हारे लिए बनाया था कि तुम बाजार के अंदर जाया करती और वहीं पर फरोख्त कर दी जाती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तमाम बीमारियों से और बेइज्जतियों से तुम्हारी हिफाजत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियत अलऊला, कि जो औरतें मेकअप करके अच्छे कपड़े पहनकर बाजारों के अंदर घूमती है इसको तरक्की नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये जमाने जाहिलियत के तरीके हैं और जमाने जाहिलियत के रस्म व रिवाज है जिनको अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मिटाया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब कि जिसने उन गिरी पड़ी मखलूक को कि जिनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, अगर औरत बच्चा जलती तो जब भी उनके यहाँ औरत जलील थी, अगर न जलती तो फिर भी जलील थी। जब तक औरत जवान तो बस ख्वाहिशात के पूरा करने का जरिया, और अगर औरत बेवा हो गई तो उसको कोई कोसने वाला नहीं होता था। अगर एक जवान लड़की 16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई और 4-5 महीने गुजरने के बाद उसके खालिद का इंतकाल हो गया तो फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं था, वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारती। हत्ता के बाद दफा तो ऐसा होता कि और मर्द की लाश के साथ, खालिद के लाश के साथ उसको जला दिया जाता, उसको सख्ती कर दिया जाता था। मजहब इस्लाम आया, मजहब इस्लाम ने औरतों के लिए वो कानून बनाए
مذہب اسلام نے اسلام عورت کو وہ عزت دی، خدا کی قسم کسی مذہب نے کسی قانون نے اسلام عورت کو وہ عزت نہیں دی۔ مذہب اسلام نے کہا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر تمہاری ماں ہے تو وہ تمہارے لیے وہ جنت، اس کے بدنوں کے نیچے جنت ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر بیٹی ہے تو وہ تمہاری عزت ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر بہن ہے وہ بھی تمہاری عزت ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر عورت بیوی کی حیثیت سے ہے تو اس کا خرچ وغیرہ وہ تمہارے ذمے ہے۔ یہ قانون اور یہ دستور مذہب اسلام نے عطا کیا، اور یہ دستور اور قانون بنا کر اللہ رب العزت نے عورتوں کو عزت بخش دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان تین بیٹیوں کی یا دو بیٹیوں کی یا ایک بیٹی کی مذہب اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق اس کی تربیت کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، وہ جنت کے اندر ایسے قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی بہن کی اچھی تربیت کرے گا اور اچھی تربیت کر کے اس کی شادی کر دے گا، شادی وغیرہ کا انتظام کر دے گا تو وہ بھی جنت میں میرے قریب ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو وہ جنت کی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اولیاء کرام نے بڑی بڑی محنتیں اٹھائی، اولیاء کرام راتوں کو جاگے، دنوں کے اندر انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا تاکہ جنت کی نعمت کے مستحق بن جائے۔ شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ اپنی ماں کی خدمت کر لو اور اپنی ماں کی خدمت کے بدلے جنت کو حاصل کر لو۔ یہ قانون کس نے دیا؟ یہ قانون مذہب اسلام نے عطا کیا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لڑکا یا لڑکی اپنی والدین میں سے کسی ایک کی طرف بھی یا دونوں کی طرف بھی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، پیار کی نظریں اپنی ماں اور اپنے باپ کے چہرے پر ڈالے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک مرتبہ نظر ڈالنے کی وجہ سے اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی انسان پورا دن اپنے ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالتا رہے تو پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر وہ سارا دن بھی اپنے ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالے گا، پیار کی نظر ڈالے گا، تو جتنی مرتبہ بھی وہ نظر ڈالے گا اللہ رب العزت اتنے ہی حج مقبول کا ثواب اس کو عطا فرما دے گا۔ تو میرے دوستو یہ عزت کس نے عطا کی؟ یہ عزت ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، اور عورت کو تحت سرا سے اٹھا کر عرش بری پر پہنچا دیا۔ وہ بیوہ کہ جس کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں ہوا کرتا تھا اور جس کو باندھ کر جنگل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، یا خالد کی لاش کے ساتھ اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا، اس کو بھی دفنا دیا جاتا تھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیواؤں کو اتنی عزت دی کہ ان کو اپنی نکاح کے اندر لا کر ہم سب کی ماں بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، 11 شادیاں کی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو 4 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی تو صرف ایسی عورت سے کی کہ جو قوالی تھی، اس کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھا، اور باقی جتنی بھی عورتیں تھیں 10 کی 10 عورتیں بیوہ تھیں۔ کسی کی عمر 33 سال ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 48 سال ہے، کسی کی عمر 55 سال ہے، اور کسی کی عمر
60 साल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह में लाकर उनकी इतनी इज्जत बढ़ा दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इतना बड़ा मकाम अता फरमा दिया। अल्लाह को यूसुफ ने फरमाया, या निसा अन नबी लस्तुन्ना का अहद मिन निसा, ए नबी की बीवियों, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने वाली औरतों, तुम्हारा वो मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ है कि तुम में से किसी दुनिया की औरत का ये मकाम नहीं हो सकता। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हजरत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाहु अन्हा आई कि जो बिल्कुल बूढ़ी थी और जिनकी उम्र 60 साल थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और अपने हबीब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने निकाह में लाकर हम सब की माँ बना दिया। ये मकाम किसने अदा किया? ये मजहब इस्लाम ने अदा किया। औरत को तहतुस्सरा से उठाकर अर्श की बुलंदी तक किसने पहुंचाया? मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया। चुनांचे वो औरत के जो टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल की जाती और फेंक दी जाती थी और जिसको जिंदा गढ़े के अंदर दफन कर दिया जाता था, फिर अल-इस्लाम ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फलसफा इंसानियत को अता किया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पर खड़े हुए अपनी शहादत से 2 महीने पहले और खुतबा दिया, और खुतबा देकर खुतबे में ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मेरा इरादा ये है कि मैं इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा तो 19 सूबों का 19 मुल्कों का सफ़र करूँगा और हर एक सूबे के अंदर हर एक मुल्क के अंदर एक एक महीना गुजारूंगा और हर मुल्क की बेवाओं की फहरिस्त तैयार करूंगा। और फिर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जो उस वक्त का खलीफा भी है और उस वक्त का बादशाह भी है, बेवाओं के दरवाजों को खटखटाऊंगा और कहूंगा कि मेरी अम्मा जो खिदमत हो मैं हाजिर हूँ। ये मकाम किसने अता किया? एक बादशाह होने के बावजूद और एक अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद जो बेवाओं के दरवाजे के खटखटाने का इरादा कर रहा है, ऐसी सोच किसने अता की? हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चुनांचे छोटी सी बात है, बात खत्म करते हैं। एक मर्तबा एक बेवा औरत हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के घर के अंदर तशरीफ लाई और उसने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि वो तो यहाँ पर नहीं है, जब आएंगे तो पता करवा दूंगी। लेकिन अम्मा आयशा ने देखा कि उस औरत की अजीब हालत है, चेहरा भी बिल्कुल सूखा हुआ है और चेहरे की रंगत भी बिल्कुल फीकी पड़ी हुई है, उसकी गोद के अंदर एक बच्ची है और एक बच्ची ने उस औरत की उंगली पकड़ी हुई है। अम्मा आयशा ने उसको देखा तो कांप गई, पूछा कि ये बीमार है या कुछ और परेशानी है? तो वो औरत खामोश रही और वो रोने लगी। फिर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि बताओ तो सही वजह क्या है? तो उस औरत ने कहा कि मैं फुला सहाबी की बीवी हूँ जो फुला जंग के अंदर शहीद हो गए थे और हमारे देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं भी भूखी हूँ, ये दोनों बच्चियाँ भी भूखी हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसकी बातों को सुना और रोना शुरू कर दिया। फौरन अपने घर के अंदर तशरीफ ले गई, जाकर तोशे दान के अंदर देखा कि कुछ है या नहीं, तो तोशे दान को तलाश किया, उसके अंदर 2 खजूरें रखी हुई थी। अम्मा आयशा ने दोनों खजूरों को उठाया और एक खजूर के 2 टुकड़े किए, दोनों बच्चियों को दे दिया और दूसरा खजूर उस अम्मा को दे दिया, उस बीवी को, बेवा को दे दिया। लेकिन वो बच्ची इतनी भूखी थी कि वो उस खजूर के टुकड़े के खाने से पहले अपनी अम्मी के खजूर पर झपट पड़ी। अम्मा तो अम्मा होती है, उसने नहीं खाई और अपनी बच्चियों को वो खजूर भी दे दी। जब अम्मा आयशा ने देखा कि इस बेवा को तो कुछ भी नहीं मिला, ये तो फिर भी भूखी की भूखी रह गई, मैं इसके लिए और तलाश करती हूँ। चुनांचे दूसरे तोशा दान के अंदर, दूसरे बर्तन के अंदर तलाश किया तो उसके अंदर 1 खजूर रखी हुई थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उस बेवा को वो खजूर भी पकड़ा दी और कहा कि ये बच्चियों के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए है।
लेकिन बच्ची बहुत ज्यादा भूखी थी। उसने फिर झपट्टा मारा और अपनी अम्मा से उसको भी छीन लिया। अब वो बेवा औरत भूखी की भूखी रह गई। अब अम्मा आशा के पास भी कुछ नहीं रहा। चंद लम्हे गुजरने के बाद आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने रोते हुए उस बेवा उस नौजवान औरत का वाकया सुनाया और खजूरों का भी तज़किरा किया और इस बात का भी तज़किरा किया कि वो औरत तो भूखी की भूखी रह गई थी, उसने तो कुछ भी नहीं खाया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से फरमाया कि ऐ मेरी बीवी, ऐ हुमेरा, अगर तुम्हारी उस औरत से दोबारा मुलाकात हो तो उस औरत को कह देना कि तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। क्या फरमाया? कि उस औरत को कह देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना मिल चुका है, तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब हो चुकी है, इसलिए कि तू वो ऐसी औरत है जो दो यतीम बच्चों का सहारा बनी है और उसने बेवा होने के बावजूद अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत की है। ये मकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को, मजदूरों को, यतीमों को, ज़ईफों को और बेवाओं को आता फरमाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सब की इज्जत बढ़ा दी। चुनांचे सैयद अमीन जीलानी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की वजह से इन नेमतों के मिलने पर जिस बात का इजहार किया वो बहुत गौर से सुनने के लायक है। उन्होंने कहा, बड़े गौर के साथ इन बातों को सुने कि नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए। वो है बेशक बशर, लेकिन वो है बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में, वो है बेशक बशर लेकिन तशहुद में अजानों में, जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। और आपने बात तो बहुत कीमती कही है, बहुत ही कीमती कही है, तवज्जो के साथ सुने। बरोज़े हश्र अमीन जब नफ्सा नफसी का समा होगा, बरोज़े हश्र अमीन जब नफ्सा नफसी का समा होगा, वहाँ वो काम आएंगे जहाँ कोई ना काम आए। वाफिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।